जब धुआं उठने लगा तो सबसे ज्यादा चिंता किसकी होती है? इंद्र को। ये देवता इतने स्वार्थी होते हैं कि एक बार बृहस्पति का पुत्र कच्छ, ध्यान से सुनिए, वह शुक्राचार्य जी महाराज के यहां मृत संजीवनी विद्या सीख ले रहा है। शुक्राचार्य ने कहा कि देखिए, तुम लोग अमरता के अधिकारी हो गए हो, मैं देवकुल को मैं शिक्षा नहीं देता, मैं शिक्षा दैत्यों को केवल देता हूं, और मृत संजीवनी में उनकी अमरता के लिए देता हूं। क्योंकि शुक्राचार्य जी के साथ अन्याय भी हुआ था, उनको मालूम था कि जब अंगिरस जी जब इनको पढ़ा रहे थे तो जब बृहस्पति को पढ़ाते थे जीव उनका नाम है, और जब पढ़ाते थे तो इनको लकड़ी लाने भेज देते थे, तो जब इनका नाम था कवि और उनका नाम था जीव बृहस्पति, तो कवि ने एक दिन प्रश्न किया कि महाराज आप जब पढ़ाना होता है तो उनको लकड़ी के लिए भेज देते हैं, तो अंगिरस जी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि अंगिरस के किसी प्रश्न का उत्तर बृहस्पति नहीं देते। जब उन्होंने पूछा कि संसार किससे ढका हुआ है तो बृहस्पति नहीं बता पाए, जीव नहीं बताए, कभी ने कहा कि ज्ञान से ढका हुआ, सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते तो